ना हा उठ बेटा उठ। ले थोड़ा परेशान। खंबा तू पकड़ दे, वो इंजेक्शन ला के लगा दो। लीड तो कर दी ना इसने। हाँ लीड कर दी। घुमा बेटा घुमा, गर्मी में यही समस्या है। अटने छाया छाया में घुमा, धूप में मत ले, छाया छाया में अटने अटने। ये बच्चे को कोलिक हो गया है तो कोलिक का अभी वैसे इसको घुमाया है, कुछ टाइम से घुमा रहे हैं, घंटे एक भर से। तो लीड तो कर दी है इसने, पेशाब नहीं कर रहा, हो सकता है पेशाब की प्रॉब्लम है। तो अभी घुमा रहे हैं इसको, नहीं तो फिर इंजेक्शन लगाएंगे। या लेट सिक्स या दूसरा आता है रिमोट वाला। जानवर क्या रखो, मुसीबत है, दूर से अच्छे लगते हैं सब। वाह क्या घोड़े हैं, पर रिलीज करते हैं तो कई समस्याएं आती है। फर्स्ट बार हुआ इसको कोलिक। सेलिन बनाने के लिए लाए हैं अपन पंजाब से, गुलजार लाइन का है ये, गुलजार के बेटे का बेटा है, पंजाब से लिया है अपन ने। 20-22 महीने का हो गया है, साइज भी ठीक ही ली है, करीब हो गया है 63 के आसपास, 65 प्लस है। एक घोड़ी के पास ले मुंह ले, कई बार जैसे किसी को गैस वगैरह हो जाए ना, जैसे घोड़ा है तो घोड़ी के पास लो तो ये जैसे हिनहिन आएगा, उससे भी गैस पास हो जाती है इसकी। कौन सा लाया इंजेक्शन? रिमोट 10 ml लगा दे, इसमें कितना है? 8 ml है, 8 ml लगा दे। लेस सिक्स भी लगा सकते हैं, और लेस सिक्स नहीं हो तो ये रिमोट रेट भी लगा सकते हैं। पता ना सीसी
10 ml भी लगा सकते हैं एज के हिसाब से। एज के हिसाब से, एज अगर इसकी अभी कम है तो अपन 8 ml लगा रहे हैं, बड़ा घोड़ा हो तो 10 ml, और छोटा बच्चा हो तो और कम लगाते हैं। इस तरफ लगाना, इंजेक्शन लगाने का भी थोड़ा सा ध्यान रखें किस जगह लगाना है। स्लोली स्लोली जाना, वो करा घुमा। लीड तो कर दी ना इसने बराबर? हाँ, लीड तो इसने दो बार कर दी। दो बात कर ली, तो घोड़ी के तो अपन बतासी भी लगा सकते हैं, घोड़े के तो अपन देसी जुगाड़ कुछ कर नहीं सकते। ये लोग लगाते हैं अदरक का पानी है या प्याज का पानी उसके लिंग पे। रिलैक्स हो गया है, बाथरूम कर लिया है। ये जैसे इंजेक्शन वगैरह देते हो तो थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना है, डिहाइड्रेशन तो नहीं है घोड़ा, पर डिहाइड्रेशन है चेक करने का ये तरीका है। जैसे इसकी चमड़ी खींचो, खींच के रखो, फिर छोड़ो। अगर ये फटाक चली गई अंदर तो समझ लो डिहाइड्रेशन नहीं है, पानी की इसको कमी नहीं है इसके शरीर में। अगर चमड़ी अपन खींचते हैं और धीरे धीरे ये वापस सेट होती है तो समझ लो डिहाइड्रेशन है, घोड़े घोड़ी में पानी की कमी है। पिले पिले बेटा पिले, अभी नहीं पिएगा, बाद में पिएगा। बाथरूम कर दिया है दबा के, अब रिलैक्स हो गया है ये। कई बार घोड़े मस्ती करने में रह जाते हैं और पानी नहीं पीते हैं, इस वजह से इनको बाथरूम की तकलीफ आती है। थोड़ा सा और घुमा दे, अगर डिहाइड्रेशन है तो फिर घोड़ों को अपने को ग्लूकोज या तो पिलाओ या फिर बोतल से चढ़ाओ।
नींद भी कर ली है इसने, अब ये पूरा रिलैक्स।